हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र देवांगन CGPSC एवं व्यापम के सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे, या फिर हम यूं कहें कि आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 छत्तीसगढ़ के हम छठे अध्याय में आ चुके हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे संस्थागत वित्त एवं विनियोजन की। तो ध्यान दीजिए मित्रों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हम यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्थिक सर्वेक्षण कितने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यकीन मानिए, यदि आप छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, CGPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप गौर से देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के पेपर को, तो जितने भी चीज़ों के बारे में चर्चा किया रहता है यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे में और बजट में, बजट में क्या रहता है, आने वाली योजनाओं के बारे में चर्चा कर, हम ये योजनाएं, तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे योर बजट विल बी इंट्रोड्यूस्ड। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये दोनों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारे एग्ज़ाम एक अधूरा सा रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हमारे लिए यह इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। उसके बाद फिर मैं एक समराइज के लिए वीडियो बनाऊंगा और वह वीडियो एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा कम्प्लीट होगा, है ना, कि अध्याय एक से लेकर अध्याय 16 तक हमारे पास जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर में मैं कंप्लीट करूँगा, ओके, और वो मेरा हैंड रिटन नोट्स रहेगा, ठीक है। तो आइए हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं। और संस्थागत वित्त एवं विनियोजन, ठीक है, देखते हैं क्या है संस्थागत वित्त एवं विनियोजन। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और फिगर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ पर हम पैसे को लगाते हैं इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। संस्थागत वित्त मतलब जो है अथोराइज्ड फाइनेंस सिस्टम, उसके बारे में बात किया है। तो देखते हैं इसके रिस्पेक्ट में, छत्तीसगढ़ राज्य की बैंकिंग गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रहा है। सही बात है, जाहिर सी बात है, बैंकिंग गतिविधियों में वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब कि पैसे का इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, जिसको हम लोग यहाँ पर विनियोजन बोले हैं, ओके। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है, बैंकिंग गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर बोल रहा है, वर्ष 2020-21 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान में बैंकिंग क्षेत्र का योगदान 8,39,859 लाख रुपए अनुमानित है। अब यहाँ पर देखो यार, डेटा को याद ना रखें, ठीक है, डेटा को याद ना रखें, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली इतना परसेंट का योगदान है वो हम आगे करेंगे, टेबल में हम लोग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, राज्य में बैंकों की संख्या सितंबर 2020 की स्थिति में 47। तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ गाइस, जस्ट क्रैम इट, इसको याद कर लीजिए, राज्य में बैंकों की संख्या सितंबर 2020, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा सितंबर 2020। अब देखो, दो तरीके हैं उसके पास पूछने के, सितंबर 2020 के अंत में बैंकों की संख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2020-21 के अनुसार बैंकों की संख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों के दोनों का मतलब एक ही है। शाखाओं की संख्या 3,162 तथा ATM की संख्या 3,390 है, जिनमें कुल जमा 1,80,554.05 करोड़ रुपए। देखो, ये जमा वगैरह को आप याद ना रखें, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे हाईलाइटेड चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, राज्य में बैंकों की संख्या कितनी है, तो बैंकों की संख्या 47 है, शाखाओं की संख्या कितनी है, तो 3,162 है, ATM की संख्या कितनी है, तो 3,390 है। सो जस्ट क्रैम इट, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। यदि हम हाईलाइटेड के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है हमारा ये 47, राज्य में बैंकों की संख्या सितंबर 2020
अंत की स्थिति में कितनी थी, तो 47। आप इसको याद रखेंगे। आगे हम बात करें प्राथमिकता क्षेत्र में आवंटित ऋण में सितंबर 2019 की तुलना में सितंबर 2020 में 7.44% की वृद्धि हुई। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं। महिलाओं को आवंटित ऋण में 2019 की तुलना में सितंबर 2020 में 12.37%। देखो यार कितना वृद्धि हुआ है, क्या वृद्धि हुई, इसको छोड़ दीजिए आप। फाइन, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, देखिए यदि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर तो ध्यान दीजिएगा, कम से कम 10-20% हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, बाकी आप अपने ऊपर भरोसा। यदि आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों यह इम्पॉर्टेंट है, क्यों नहीं। इतना डेटा नहीं पूछता है CGPSC, आपका जान नहीं ले लेगा CGPSC। ओके, सो अवॉइड कीजिए, है ना। कम पढ़ें, सॉलिड पढ़ें और अच्छा पढ़ें, उसी के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस अभी जितना भी हमने पढ़ा है वो सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, उससे बाहर क्वेश्चन आपका जाएगा ही नहीं, आई गारंटीड, ठीक है। उसके बाद फिर आप कमेंट करके बताएंगे मुझे कि कितने क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं वहाँ से आया है। डेफिनेटली मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ आपका 80-90% आएगा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, प्रदेश में कुल 1333 प्राथमिक कृषि साख समितियाँ कार्यरत है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है आपका, जिसमें 475 लैम्प्स, 858 पैक्स। इसको छोड़ दीजिए आप, लैम्प्स पैक्स, ओके, क्या है क्या नहीं है उसके बारे में हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है आपका, कितने प्राथमिक कृषि साख समितियाँ हैं, या तो 1333। सो ये इम्पॉर्टेंट है आपका, तो जस्ट क्रेमिट। आगे हम बढ़ते हैं, माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित ग्राम केरता जिला सूरजपुर में 6 मेगावाट को जनरेशन पावर प्लांट स्थापना हेतु राज्य शासन ने 2,02,00,000 अंश पूंजी के रूप में स्वीकृत किया है। अब देखो यार, ये 2,02,00,000 इतना अंश पूंजी, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, माँ महामाया शक्कर कारखाना कहाँ है, तो ये है आपका सूरजपुर जिला सबसे पहले, ठीक है। यदि एकदम पॉइंट नोटेड करें कि वो सूरजपुर जिला में कहाँ पर है, तो केरता ग्राम में, ठीक है। तो आप दोनों, आपको ये दोनों याद रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर मोलेसेस से पावर प्लांट स्थापित किया गया है, ठीक है, स्थापित किया गया है या फिर स्वीकृत किया गया है, ओके, दोनों का मतलब एक ही है यार, स्थापित किया जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपको 6 मेगावाट पावर जनरेशन प्लांट स्थापित किया जाना है, यहाँ पर प्रस्ताव पारित हो चुके हैं, ठीक है। अब वो कितने करोड़ क्या करोड़, ये आपको उससे लेना देना नहीं है, आपको लेना देना सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा और क्या हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप एनर्जी वहीं पर वेस्ट कीजिए जहाँ से आपको कुछ हासिल हो सके। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। वित्तीय क्षेत्र एवं आर्थिक विकास, जस्ट एक बार हम रीड करेंगे इसको, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ओके, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके, विजुअलाइज हो सके। ओके, दैट्स इट। हाँ, वित्तीय क्षेत्र के अध्ययन के अनुसार प्रगतिशील देशों में यह अनुभव बताते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था सामाजिक एवं आर्थिक विकास में वित्तीय एकीकरण, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन की प्रक्रिया के माध्यम में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अपितु पूंजी जुटाने, कैपिटल मोबिलाइजेशन, पूंजी जुटाने में भी सहायक होती है। जहां एक ओर वित्तीय संस्थाएं अर्थव्यवस्था में तरलता एवं गतिशीलता को बनाए रखने हेतु वित्तीय मध्यस्थता के माध्यम से बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन तथा संस्थाओं व व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने का कार्य करती है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में उत्पादक के रूप में वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करते हुए राज्य तथा राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं वृद्धि में अपना योगदान देती है, ठीक है। ओके, अब कैसे, थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बैंकिंग का, है ना। ओके, बैंकिंग का ही एक एग्जांपल लेता हूँ। बैंकिंग किस परिप्रेक्ष्य से काम करता है, उसका उद्देश्य क्या करता है, तो
ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या है, बैंक है ना। अब ये बैंक है, बैंक में क्या होता है, पैसा जमा होता है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पैसा जमा होता है और उसके बाद फिर बैंक क्या करती है, लोन देती है। ठीक है जी, लोन देती है। तो मान लीजिए आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो पैसा क्यों जमा करोगे आप, जब आपको कुछ फायदा नहीं होगा आप बैंक में पैसा जमा नहीं करोगे। ठीक है, अब मान लीजिए आप बैंक में 100 रुपया लेकर जाते हैं, या फिर बैंक आपको ये बोलती है पहले कि यदि आप हमारे पास पैसा जमा करते हैं तो हम आपको बदले में 5% इंटरेस्ट देंगे या ब्याज देंगे। ठीक है जी, ओके। मतलब आप यदि मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये जमा करते हैं तो हम उसको 105 रुपये करके आपको लौटाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको दिखेगा फायदा तो आप क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे है ना, और बैंक के पास जाकर आप क्या करेंगे, ये 100 रुपये जमा कर देंगे। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप जमा कर रहे हैं। अब किसी के पास पैसा कमी होगा तो डेफिनेटली वह जाएगा बैंक के पास है ना, क्योंकि उसको काम धंधा चाहिए। अब काम धंधा चाहिए उसके लिए पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेंगे, इन द सेंस आप वहाँ पर बैंक को बोलोगे मुझे लोन दे दीजिए। तो जो जमा बैंक में है उसी को क्या करेगा, वह आपको लोन देगा। तो मान लीजिए 100 रुपये लोन देता है तो अब यहाँ पर वो क्या बोलेगा, हम 7% इंटरेस्ट लगाएंगे। यहाँ पर 5% इंटरेस्ट की बात हुई थी, हम यहाँ पर 7% इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो 7% इंटरेस्ट लगाएंगे, इन द सेंस बैंक की जो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लोन, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट कितना ले रहा है, 7%। ठीक है, जमा पे कितना परसेंट दे रहा है, 5%। तो जो 2% का डिफरेंस है, जो 2% का डिफरेंस है, यही 2% के हिसाब से आपका बैंक चलता है, आप कर्मचारी को आप पैसा देते हैं, मतलब बैंक पैसा देता है। ठीक है, सो रोज़मर्रा के खर्चे ये निकालते हैं इस 2% में। आई होप आइडिया इज़ क्लियर, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। तो जाहिर सी बात है जो लोन लिया है ना, तो वो कुछ ना कुछ काम धंधा करेगा। अब वो ऐसा नहीं है कि काम धंधा नहीं करेगा, वह सिर्फ खाएगा। जब काम धंधा करेगा काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, उस रोज़गार से बाकी लोगों के चूल्हे जलेंगे। सो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं है ना, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। करेक्ट, ठीक है, कैसे बढ़ेगा, जब लोगों के पास पैसा आएगा है ना। अब पैसा जनरेट कैसे करेंगे, तो हम जाहिर सी बात है पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब इन्वेस्ट करेंगे है ना, निवेश करेंगे, तभी तो हमें आवक होगी। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। मध्य लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों जैसे गतिशीलता को बाजार की मांग के अनुरूप बनाए रखने तथा वित्तीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग से जोखिम उठाकर निवेश पर आय सुनिश्चित करने वाले उद्यमियों को बैंक व वित्तीय संस्थाएं बहुत सहायक होती है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर बात किया, चाहे वह किसी भी प्रकार के उद्योग हो, चाहे सूक्ष्म हो, लघु हो, कुटीर हो, जो भी हो है ना, चाहे आप क्यों ना खेती कर रहे हो, वो सभी को बैंक की रिक्वायरमेंट है, हैं? ओके, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में जहां लघु सीमांत कृषक उत्पादन के लिए आवश्यक निविष्टियां, सिंचाई, बीज, ये सभी के सभी सुविधाएं कैसे उपलब्ध होगा, जब तक इंसान के हाथ में पैसा नहीं होगा वह उसका उपयोग नहीं कर सकता, वह उससे वंचित हो जाएगा उस सुविधा से। ठीक है, ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है जी, है ना, कुछ चीज़ इम्पॉर्टेंट है, सभी इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता है जी। राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा निरंतर बढ़ रहा है, ये हम मुख्य बिंदु में भी देखे हैं। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत हिस्सा है, ठीक है, सकल राज्य की सकल घरेलू उत्पाद बोलें या फिर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में
बैंकिंग क्षेत्र का हिस्सा कितना परसेंट है? तो 3.72% है जी। सिर्फ और सिर्फ आपको यही चीज याद रखना है, बाकी कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, कितना प्रतिशत भागीदारी है, सॉरी कितना प्रतिशत भागीदारी, भागीदारी में परसेंटेज आप याद रखेंगे, इसको आप याद नहीं रखेंगे। ओके, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? तो कितना लाख रुपए, कितना करोड़ रुपए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भागीदारी 3.72% है। किसका है भैया? तो बैंकिंग क्षेत्र का हिस्सेदारी है, बस इतना ही सिंपल। ओके, आगे हम बात करते हैं। यहां पर बार बार रिपीट किया गया है सॉरी। छत्तीसगढ़ राज्य में बैंकिंग गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। बैंकिंग गतिविधियों को गति देने की दिशा में राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से समीक्षा करती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति त्रैमासिक मतलब तीन महीने में समीक्षा करती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और 30 सितंबर 2020 की स्थिति में 3,162 बैंक शाखाएं हैं, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा कर चुका है मुख्य बिंदु में। सो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और कितना प्रतिशत का योगदान है बैंकिंग सेक्टर का? तो बैंकिंग सेक्टर का हमारे राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी 3.72% है, बस इतना ही याद रखना है आपको, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर किसकी अध्यक्षता में गठित समिति है? तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर ये आप देख रहे हैं साख जमा गतिविधियाँ, तो ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि बैंकों की संख्या कितनी है, तो ये 47 है ना। उसके बाद फिर ये 3,162, एटीएम की संख्या 3,390। बस यार यही तीन चीज़ आप याद कर लीजिए, ये तीनों चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। बस इसके बाद फिर आपको बाकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उसको याद रखें। ओके, हाँ आगे हम बढ़ते हैं। वित्तीय समावेशन पर अवलोकन और प्रगति। अब ये देखिए, वित्तीय समावेशन क्या होता है? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जैसे कि फाइनेंशियली इंक्लूजन को हम वित्तीय समावेशन भी कहते हैं, इसका इंग्लिश में वर्जन है फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना। ओके, वित्तीय समावेशन अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को सशक्त करने हेतु सामाजिक तथा आर्थिक विकास। यहाँ पर दो चीज बहुत ही जबरदस्त इम्पॉर्टेंट है, आर्थिक तथा बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड भी है, आर्थिक तथा सामाजिक विकास के साथ साथ लेन देन की गतिविधियों में सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही बात है, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी का मतलब है कि वो सामाजिक तौर पर सही होना चाहिए और आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। जब आप आर्थिक रूप से सक्षम हो तो सभी प्रकार से आप सक्षम होंगे, ऐसा हमारा मानना है। ओके, तो आर्थिक विकास तथा सामाजिक विकास के साथ साथ लेन देन की गतिविधियों में सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों के संवेग में वृद्धि तथा विस्तार होता है। ध्यान दीजिएगा, संवेग कहने का मतलब है कि आप कह सकते हो रफ्तार, ठीक है। साथ ही मध्यम लघु तथा छोटे उद्योगों की स्थापना हेतु सहायता मिलती है, जिससे रोजगार के नए अवसर या सृजन होता है। वित्तीय समावेशन केंद्र, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वित्तीय समावेश केंद्र अमेरिका सेंटर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय समावेशन निम्नलिखित बिंदुओं पर समावेशित करता है। अब इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है जी, ये आपके मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। ओके, तो वित्तीय सेवाओं जैसे ऋण, बचत, बीमा, भुगतान आदि का अभियोग, गुणवत्ता, सुविधाजनक, सस्ती, उपयुक्त एवं ग्राहक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली सेवा, ग्राहकों को वित्तीय प्रबंधन के बारे में सूचना देना तथा उसकी क्षमता का विकास करना,
सभी के वित्तीय सेवाओं के उपयोग हेतु समान अवसर, ठीक है, प्रतिस्पर्धा बाजार के माध्यम से सेवा प्रदाताओं की श्रृंखला, स्पष्ट वित्तीय नियामक ढांचा। ओके, सो 100 बात की एक बात, यहाँ पर जितने भी हम चर्चा किए हैं हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि कैसे मैनेजमेंट करना है। ओके, दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट। अतः विगत दशकों के दौरान वित्तीय समावेशन सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से रहा है ना, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें मुद्रा योजना और भी DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, सो ये सभी के सभी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा आप अच्छे से नहीं सोच सकते, ठीक है, इंडिपेंडेंट। ये आप, यदि हम आपके ही बारे में बात करें तो जब आपको 100 रुपया दिया जाता है ना, आपके पास 100 रुपये है तो 100 रुपये के हिसाब से आपकी पावर रहेगी। यदि हम करोड़ रुपये के बारे में बात करें तो करोड़ रुपया आपके पास आएगा तो आपके पास करोड़ रुपया जैसे पावर रहेगी। फाइन, ओके, मैं यहाँ पर आकलन नहीं कर रहा हूँ, ये फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं अर्थव्यवस्था को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आगे हम बढ़ते हैं, जिसका क्रियान्वयन बैंकों के राष्ट्रीयकरण, बैंकों की शाखा विस्तार, लीड बैंक योजना, व्यापार संवाददाता मॉडल, मोबाइल बैंकिंग का विस्तार, ओके, आधार बैंकिंग खाते, EKYC आदि का पहल किया जा रहा है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य देश की बड़ी आबादी जो अब तक स्थिर विकास की संभावनाओं में पिछड़ी हुई है उनके लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम यहाँ पर चर्चा करें तो वित्तीय समावेशन क्या है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय समावेशन की स्थिति पर प्रकाश डालिए, आपको यहाँ पर बोल दिया 120 शब्दों में, ठीक है, तो आप उसे डिटेल से बता सकते हैं। आई होप आइडिया इज़ क्लियर। मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ, यदि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ रहे हैं तो यदि हम बात करें एक लाइन में 10 शब्द होता है ना, ऐसा एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है, ठीक है, तो उस पैरामीटर के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, अब यहाँ पर डेट इम्पॉर्टेंट है क्या सर? ये तो काफ़ी पहले हो चुका है, 28 अगस्त 2014, तो जी हाँ ये डेट आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, प्रधानमंत्री जनधन योजना औपचारिक रूप से 28 अगस्त 2014 को आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सार्वभौम ऋण, बीमा और पेंशन के लिए हर घर के लिए कम से कम एक सामान्य बैंकिंग खाते के साथ साथ बैंकिंग सुविधाओं के लिए वित्तीय साक्षरता की परिकल्पना की गई है। लाभार्थियों को 1 लाख रुपये डेबिट कार्ड होने पर अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर करेगा। इसके अलावा 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर उन लोगों को प्राप्त होगा जो 15/8/2014 से 26/1/2015 के बीच पहली बार बैंक खाता खोल चुके हैं व योजना की अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे। सो दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर कुछ डेटा है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, कौन कौन सा? लाभार्थियों को 1 लाख रुपए की डेबिट कार्ड, अंतर्निहित दुर्घटना बीमा, 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर, और ये कब से कब तक, तो ये आज के डेट में इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये फायदा उन्हीं लोगों को जो पहली बार बैंक खाता खोल रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं, PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना पहले वित्तीय समावेशन कार्यक्रम से अलग है, चूंकि अन्य बातों के साथ देश भर में सभी परिवारों, चाहे वह ग्रामीण हो चाहे वह शहरी हो, तक बैंकिंग सुविधाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच चाहता है।
जबकि पहला वित्तीय, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, जबकि पहला वित्तीय समावेशन कार्यक्रम 2000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को शामिल करने पर केंद्रित था। PMGDY के अंतर्गत सरलीकृत KYC हेतु दिशा निर्देश किया गया है। अब ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते, सो जस्ट मेक इट क्लियर। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आपका एक मौजूदा खाता धारक PMJDY के तहत प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए नया खाता नहीं खोल सकते। सही है, वे मौजूदा खाते में जारी रुपे डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट सीमा में दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मतलब पहले से जो जिसके पास खाते हैं वो नया खाता नहीं खोल सकते, ओके, लेकिन हाँ बाकी जो आपका दुर्घटना बीमा है उसको लाभ आप ले सकते हैं। रुपे कार्ड, ओके, रुपे कार्ड, अब यहाँ पर रुपे कार्ड देखते हैं। रुपे कार्ड एक नई भुगतान योजना NPCI द्वारा नियोजित की गई है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, NPCI। अब आप लोग बताएंगे मुझे NPCI को फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके डेफिनेटली बताएंगे आप। यह एक घरेलू स्वतंत्र बहुपक्षीय कार्ड भुगतान प्रणाली है जो सभी भारतीय बैंकों और भारत में वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की अनुमति प्रदान करता है। रुपे कार्ड क्या है? तो रुपे कार्ड एक प्रकार का कार्ड है जो सभी प्रकार के जितने भी बैंक हैं, है ना, तो जितने भी बैंक हैं उसका वो भुगतान करने में सक्षम है। रुपे कार्ड 8 मई 2014 को भारत में राष्ट्रपति द्वारा समर्पित किया गया है। तो यहाँ पर ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ा हुआ है। रुपे कार्ड भारत में बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नेटवर्क बनाने का प्रतीक है जो कि भारतीय बैंकों को काफ़ी कम और सस्ती लागत पर कार्ड भुगतान सुविधा देता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय कार्ड पर निर्भरता कम होती है। ठीक है, आई होप रुपे कार्ड ये भारत का एक प्रकार का उपलब्धि है कहना चाहिए, है ना। अब ये क्या उपलब्धि है, तो जाहिर सी बात है हम बहुत सारे कार्ड देखते हैं जो कि विदेशी कार्ड है, उनसे दूर रहने के लिए या फिर हम यूं कह सकते हैं कि रुपे कार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा चलायमान किया जाना। अब इसके लिए काफ़ी स्कीम भी देता है ना, ओके, काफ़ी स्कीम भी देता है। कौन देता है? तो जाहिर सी बात है जब हम रुपे कार्ड, चाहे वह मॉल में हो या फिर किसी भी चीज़ में, तो रुपे कार्ड की यदि कोई यूज़ कर रहा है तो उसमें कुछ छूट वगैरह डिस्काउंट वगैरह देता है, तभी आप तो रुपए कार्ड को यूज़ करेंगे ना, अदरवाइज फिर कैसे करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर भारत सरकार ने सभी, ये इम्पोर्टेंट है आपका, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। भारत सरकार ने बैंकों को सभी KCC और DBT लाभार्थियों को डेबिट कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है। ठीक है, ओके, सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रुपे कार्ड ATM बिक्री टर्मिनलों के अंदर ऑनलाइन खरीद पर काम करता है, ना केवल दुनिया में अन्य कार्ड योजना के बराबर है बल्कि ग्राहकों को भुगतान के विकल्प में लचीलापन प्रदान करता है। मैंने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले चर्चा किया था कि यदि हम कार्ड का यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे कार्ड हैं, तो जाहिर सी बात है यदि आपको किसी प्रकार का डिस्काउंट दिया जाता है तो डेफिनेटली आप उस कार्ड का यूज़ करेंगे। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। मुद्रा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मुद्रा, और इस लेक्चर के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा विराम देंगे। मुद्रा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, इसका तो पहले फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। छोटे गैर कारपोरेट क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु इन छोटे कुटीर उद्योगों को बैंकिंग नियमों को पूरा न कर पाने के कारण बैंकों से आर्थिक मदद आसानी से नहीं मिलती। मतलब यहाँ पर क्या है, रेड कारपेट, या फिर हम यूँ बोले कि काफ़ी पेपर वर्क्स वगैरह कंप्लीट करने पड़ते हैं, उसके बाद फिर काफ़ी आसानी से नहीं मिलता है, मतलब बहुत जोखिम उठाना पड़ता है,
ओके पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इस कारण से उससे दूरी बनाना उचित समझते हैं ग्राहक। आगे हम बढ़ते हैं, वे काफ़ी हद तक स्वपोषित होते हैं तथा अथवा निजी नेटवर्क या साहूकारों पर निर्भर करते हैं। तो क्या है, इन सब पचड़ों पे ना पड़ के हम भाई डायरेक्ट किस पे जाएं, साहूकार पे जाएं, ठीक है? ऐसा अभी तक चलता था, और जाहिर सी बात है साहूकार पे जाते हैं तो वो हमें चार्ज ज़्यादा करता है, इंटरेस्ट रेट। ओके आगे हम बढ़ते हैं, मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को घोषित की गई, ये इम्पोर्टेंट है जी, ये डेट भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद करेंगे। यह न केवल उद्यमियों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा वरन नए रोजगार सृजन करेगा। ओके यह देश की उच्च विकास दर को प्राप्त करने में योगदान देगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 3 चरणों में हुई है, शिशु ऋण, किशोर ऋण, तरुण ऋण। तो सबसे पहले आप इसको क्रम से याद रखें, शिशु, किशोर और तरुण। कुटीर उद्योग की शुरुआत के समय मुद्रा बैंक के तहत, ₹50,000 के ऋण का प्रावधान है। ये एक प्रकार से फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जब आपके पास पैसा आएगा आप कुछ करेंगे। शिशु ऋण 50,000, ओके। उसके बाद फिर किशोर ऋण आता है, तो किशोर ऋण ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, 50,000 से 5 लाख तक। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जी, बार बार पूछा जा चुका है, और ये डेफिनेटली हमेशा पूछेगा क्योंकि यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तरुण ऋण, इसमें 5 से 10 लाख तक का ऋण लिया जा सकता है। तरुण ऋण क्या, 5 से 10 लाख तक का ऋण। अब ध्यान दीजिएगा, शिशु ऋण क्या है, 50,000 तक, मैं रिपीट कर रहा, 50,000 तक। किशोर ऋण 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण ऋण 5 लाख से 10 लाख तक। दैट्स इट। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके हम आगे हम बढ़ते हैं, डीबीटी और एलपीजी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और एलपीजी की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ओके डीबीटी का उद्देश्य विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत पैसे सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है। बैंक डीबीटी, डीबीटीएल के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके 4 चरण हैं, सो इम्पोर्टेंट है खाता खुलाना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है यार, खाता खुलाना ये ठीक है, ये एक प्रकार का प्रोसेस है, आप उसको छोड़ सकते हैं। सो खाता खुलाना, आधार कार्ड ये वगैरह, ओके सो आप इसको देख सकते हैं, पैसा निकालने के लिए बैंकिंग ढांचे का सुदृढ़ीकरण एंड ऑल। ओके तो आप इसको छोड़ सकते हैं, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। इम्पोर्टेंट हमारा ये है कि इसका उद्देश्य क्या है ना, प्रत्यक्ष लाभ का उद्देश्य। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बिना देरी किए हुए डायरेक्ट बेनिफिट किसको हो, तो डायरेक्ट बेनिफिट जो लाभार्थी हैं उसी को ही हो। ओके सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे, आगे के लेक्चर में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। ये काफ़ी लंबा लेक्चर है, ऑब्वियसली लंबा इसलिए होगा क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए दोस्तों, मित्रों, अभ्यर्थियों, है ना, जितने भी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है आपको ये हम कैसे बोल पा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यदि आप रिपीट नहीं करेंगे, यदि आप नहीं देखेंगे, तो आप नहीं जान पाएंगे कि हम यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहने का मतलब है कि जैसे कि ये हमारा पास 2021 चल रहा है, अब 2020 का पेपर देखेंगे, उसके बाद फिर 2019 का, तो ये ऐसे उल्टा आप जाइएगा ताकि आपको फ़ायदा पहुंच सके कि हाल ही में क्या चेंजेस हुए हैं, है ना। उधर से आप मत आइए, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, दिक्कत क्या, समझने में दिक्कत होगा। दैट्स इट। ओके सो दिस इज़ इट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन, और नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर बात करेंगे विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में। थैंक यू वेरी मच।